Thank you, sir. As always, we wish the Elecrama 2018 a grand success. So now, ladies and gentlemen, we are going to have one session with Dr. Rajinder Singh, the Waterman of India. So it's going to be a fantastic session. So I would like to introduce Dr. Rajinder Singh, though he does not need one. So the survival of human life is not possible without water. And yet, a considerable population in India does not have the access to the clean and fresh water. In 1995, World Bank Vice President Ismail Sirajeldin said, "The wars of the next century will be fought over water." The last war fought over water was 4,005 years ago in Mesopotamia. Water is the basic necessity of life. India's rainfall pattern differs from one place to the other. Today, we have amongst ourselves an environmentalist and water conservationist who discovered the vital need for solutions to disappearing water while working in a rural village. A man who says, "Water is my life, my happiness, my teacher." The winner of two prestigious awards, the Ramon Magsaysay and the Stockholm Water Prize. A man who has brought water back to over 1,000 villages and revived 5 rivers in Rajasthan. Ladies and gentlemen, please welcome one and only Dr. Rajinder Singh, the Waterman of India. I would like to request Mr. Sardana, sir, please just provide a moment to sir for welcome. It's also environmental friendly, right? Yeah. It is not there, right? So then you can use this one, sir, hands one. No. If no collar mic, so I can stand here. So over to you, sir. Doston, Bharat jal ke mamle mein kabhi duniya ka guru tha. लेकिन हम दुनिया के गुरु तभी तक थे तब तक इस देश में नीर नारी और नदी का सम्मान होता था. जब से इन तीनों का बिजनेस होने लगा अब हम ग्लोबल टीचर नहीं हैं. अभी हम बहुत नीचे हैं. हिंदुस्तान को यदि दोबारा से ये सपना देखना हो कि वो दुनिया का टीचर कैसे बन सकता है, ग्लोबल टीचर कैसे बन सकता है, तो मैं जानता हूँ कि ये इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन पानी जितनी ज़रूरी नहीं है. पानी होगा तो हम होंगे, हमारा समाज होगा, हमारी कम्युनिटी होगी, और फिर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, फिर तुम इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस कर सकोगे. लेकिन बिना पानी के इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस पॉसिबल नहीं है. पहले पानी चाहिए, और पानी और बिजली इन सब का एक ही सोर्स है, उसका नाम है सूरज. पानी को सूरज के अलावा कोई और बना नहीं सकता. पानी को बनाने का काम केवल सूरज कर सकता है. और इस दुनिया को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, वो भी सूरज से ही मिल सकती है. लेकिन ये 21st सेंचुरी ग्लोबली जिस तरह का लैंडस्केप
हम बना रहे हैं वो बहुत डेंजरस है। हमने इस दुनिया का चेहरा जैसा बनाया है वो सचमुच बहुत डेंजरस है। हम उस डेंजरस लैंडस्केपिंग में हैं जिसके कारण ड्राउट, फ्लड्स सब बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उस वक्त इस धरती पर जितना ड्राउट होता था उससे 10 गुना ज़्यादा ड्राउट अभी हिंदुस्तान की धरती पे होता है। 2017, द मंथ ऑफ दिसंबर, 317 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर ड्राउट, फ्लड। ड्राउट और फ्लड दोनों बराबर साथ साथ आ रहे हैं। 8 गुना ज्यादा धरती पर, 8 टाइम मोर फ्लड। ये सब हम जिस डेवलपमेंट के रास्ते पर जा रहे हैं उसके कारण हमारी जो खोपड़ी है, हमारा जो दिमाग है, उसमें ड्राउट आ गया है। ये ड्राउट केवल नेचर का ड्राउट नहीं है, ये जो ड्राउट है ये हमारे मस्तिष्क का ड्राउट है। इस मस्तिष्क के ड्राउट के बारे में यदि सोचना है तो जरा एक बार सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारी इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल चेंजेस हमारी इकोनॉमी को और हमारी हेल्थ को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। हमारी हेल्थ और हमारी इकोनॉमी, ये दोनों कैसे प्रभावित हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि ये ग्लोबल फेनोमिना है, ये केवल हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो सिनेरियो है उस सिनेरियो के कारण भारत बेपानी हो रहा है। अभी इस मंच से आयोजक कह रहे थे कि वर्ल्ड वाटर वॉर की सिचुएशन है, लेकिन मैं कह रहा हूं वो अभी चल रहा है। सीरिया का जो वॉर है उसको बहुत लोग नहीं जानते कि वो वाटर वॉर है, लेकिन जब मैंने 2016 में सीरिया की इफ्रेटस रिवर जो टर्की से शुरू होती है, सीरिया को पार करते हुए इराक में जाके समुद्र में मिलती है, जब मैंने इस पूरी नदी की यात्रा की तो मुझे पता चला कि ये सीरिया का वॉर रिलीजियस वॉर नहीं है, ये वाटर वॉर है। क्योंकि टर्की के पास जब पैसा आया तो उसने इफ्रेटस रिवर पर लार्ज डैम बनाए, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, उसको पानी भी चाहिए था इरिगेशन के लिए, 6 लार्ज डैम, और सीरिया का वाटर फ्लो रुक गया। सीरिया का एग्रीकल्चर जितना पुराना भारत का एग्रीकल्चर है उतना ही पुराना सीरिया का एग्रीकल्चर था, और वो एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री था। ये लोग बेपानी होकर खेती करने के लायक नहीं बचे और फोर्स्ड माइग्रेशन शुरू हुआ। इनको जर्मनी जाना था, यूरोप जाना था, तो केवल इनके पास टर्की का रास्ता था, टर्की के बिना ये यूरोप जा नहीं सकते थे, तो टर्की के खिलाफ बोल भी नहीं सकते थे कि भाई हमारा पानी क्यों रोक लिया। हिंदुस्तान में तो ये लिबर्टी है, इंडियन डेमोक्रेसी ये लिबर्टी हम लोगों को देती है कि यदि कुछ गलत है तो उसके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन टर्की ये लिबर्टी सीरिया को नहीं दे सकती थी कि वो उनके खिलाफ बोले और डैम के खिलाफ बोले, इसलिए डैम बन गए। आपको मालूम है 8.5 लाख सीरियन जर्मनी में गए, 1 लाख फ्रांस में गए, 2.5 लाख स्वीडन में गए, और ये सारे फोर्स्ड माइग्रेशन हो गए। देखो माइग्रेशन तो आप भी करके आए, इस हॉल में जो लोग बैठे हैं वो सब माइग्रेटरी हैं, लेकिन आप लोग सब वॉलंटरी माइग्रेटरी हैं। आप बेटर कंडीशन बनाने के लिए काम करने वाले माइग्रेशन करके गए। बिजनेस में जो जाता है उसको कहीं ना कहीं से जाना पड़ता है, बिजनेस बिना माइग्रेशन के होता नहीं है, लेकिन बिजनेस वॉलंटरी माइग्रेशन है।
सीरिया का फोर्स्ड माइग्रेशन था। वॉलंटरी माइग्रेशन एक अकेला आदमी कर सकता है, लेकिन फोर्स्ड माइग्रेशन कभी अकेला नहीं कर सकता, उसको पूरी फैमिली के साथ निकलना पड़ता है, उसके बच्चे, उसकी बीबी, सब। यही हुआ सीरिया में। और इस माइग्रेशन के बाद फिर तो यदि आप सेंट्रल एशिया को देखें और अफ्रीका को देखें, वहाँ तो कितना माइग्रेशन पानी की कमी के कारण हुआ है। फॉर्चुनेटली अभी इंडिया का जो माइग्रेशन है वो भारत से बाहर नहीं जा रहा है फोर्सली। भारत से जो बाहर का माइग्रेशन है वो वॉलंटरी है। हमारे सारे जवान लड़के लड़कियां बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर बिजनेस के लिए जाते हैं, बट हमारा माइग्रेशन बिल्कुल अलग है। हमारे ऊपर अभी फॉर्चुनेटली कोई फोर्स नहीं है कि हमें मजबूरी में छोड़ना पड़े। पर दोस्तों माफ़ करना, यदि जिस रास्ते पर हम हैं इस रास्ते पर रहे तो अगले 10 सालों में हिंदुस्तान की हालत, माफ़ करना मैं उदाहरण रख देता हूँ, सीरिया से भी खतरनाक हो सकती है। और कोई और कारण नहीं होगा, कारण होगा हिंदुस्तान का ड्राउट और हिंदुस्तान का फ्लड। बेपानी होते लोग, हमारी सूखती नदियां, हमारी प्रदूषित होती नदियां, ये एक मुख्य कारण होगा। इसलिए यदि अभी हम इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो जरा पानी के साथ जोड़ के देखो माय डियर। पानी के बिना तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए पानी पहले है, उस पानी को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। भाई मुझे ज़रा समझा दो ये आगे कैसे जाता है। मेरा जो टीचर था वो अनपढ़ आदमी था, किसान। मैं तो एक डॉक्टर था और भारत सरकार में था, भारत सरकार में था, जयपुर में 4 साल रहा। लेकिन ये सरकारें जिस तरह से चलती हैं उनमें मैं अपने को बहुत कंफर्टेबल नहीं पा रहा था, इसलिए रिजाइन करके अलवर जिले के थानागाजी तहसील के गोपालपुरा गांव चला गया। और मैं मेडिकल डॉक्टर था, इसलिए उस ज़माने में जो बेपानी होके लोग उजड़ गए थे और वहाँ पर जो बीमारी थी उस बीमारी का नाम था नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग कहते हैं उसको। वो माल न्यूट्रिशन के कारण होती है, कुपोषण के कारण होती है। तो मैंने वहाँ जवान लोग तो थे नहीं क्योंकि पानी नहीं था, तो बूढ़े लोग थे, तो उनका इलाज शुरू किया। और एक बूढ़ा आदमी जब 6-7 महीने के बाद ठीक हो गया तो उसने कहा, ओ राजेंद्र तू बड़ा खराब काम कर रहे है, तैने मेरा इलाज कर दिया, अब मैं ठीक हो गया। तो मैंने कहा, काका इलाज से ठीक हो गया तो अच्छा काम है। तो बोला, तुझे तू पढ़ा लिखा है ना, ये पढ़े लिखे लोग समझते नहीं है। अभी मैं ठीक हो गया तो मुझे 15 किलोमीटर फिर दूर पानी लेने जाना पड़ेगा। अरे मेरी 72 साल की उम्र हो गई थी, 72 साल की उम्र के बाद मर जाना अच्छा था, धरती पे बोझ कम हो जाता, मैं कहीं दूसरी जगह जन्म लेता तो अच्छा काम करता जवान बनके, तैने मुझे फिर बुढ़ा बना दिया, बुढ़े को और लंबा जिंदा कर दिया तैने, तैने कौन सा अच्छा काम करा। और वो बहुत गुस्से में था मेरे ऊपर। और फिर फाइनली उसने प्यार में कहा मुझे कि राजेंद्र इस देश में घना डॉक्टर और मास्टर है, डॉक्टरों की और मास्टरों की कमी नहीं है, जिसको जब हमारे पास पैसा होगा पैसा देंगे और दवाई ले आएंगे, तुझे अच्छा काम करना है ना, और तू पैसे लेता नहीं है, इलाज करता है बिना पैसे करता है, तो जब तू बिना पैसे इलाज करता है तो अच्छा काम करना। ये आदमी तो बड़ा नुगरा है, ये सबसे ज्यादा लालची जीव है इस धरती पर, इसके लिए कितना भी काम कर दो ये बहुत ग्रीडी है, एक के बाद एक डिमांड इसकी बढ़ती जाती है, इसलिए इस आदमी के लिए काम मत करे तू, ये आदमी सबसे ज्यादा खतरनाक है, तुझे काम करना है तो धरती के लिए कर। आज जो सूरज पानी लेके आवे है ना, ये हर साल उड़ जाए, तो सूरज की चोरी रोकने का काम कर,
तो मैंने कहा काका मुझे सूरज की चोरी रोकना नहीं आता। तो उसने कहा मैं सिखा दूंगा। दोस्तों मेरे टीचर ने मेरी पीएचडी 2 दिन में कंप्लीट कराई। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो 2 दिन में पीएचडी करवाती हो। कैसे कराई ये समझना जरूरी है, तब पानी को समझाऊंगा। 3 के नंबर 3 के नीचे आपको बिल्कुल सीधी लाइन दिखली है, वर्टिकल। मांगू काका उसका नाम था। मांगू काका ने मुझे सूखे हुए कुएं में, 150 फीट सूखा कुआ था, चमड़े के चरस में बैठा के और कुएं में नीचे डाल के और फिर बाहर निकाल के पूछा तेने कुएं में काई देखा। तो मैंने कहा काका ये कुएं में तो ऊपर से नीचे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर, लेकिन हिंदी में कहते हैं दरार, और हमारी लोकल भाषा में राजस्थान में कहते थे सड़। तो काका ई में तो अहिया सड़ छे। तो फिर उसने कहा तू रोज कुएं में जाके धरती का पेट नहीं देखेगा, आज ही समझ ले। तो मुझे बाहर निकाल के फिर उसने वहां पेड़ को देखने को कहा, बता इन पेड़ों की जड़ कैसी है। तो वो जितने भी वहां उस जगह पर पेड़ थे उस इलाके में, वो लंबे पेड़ थे और उनकी जड़ें सीधी नीचे जाती थी। तो मैंने कहा काका इनकी जड़ तो नीचे लंबी जाने वाली है। तो उसने कहा कि जहां धरती में सीधी सड़ होती है वहां पर ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें नीचे जाती हैं, क्योंकि ये जो जड़ें हैं, ये जो फ्रैक्चर्स हैं इसमें से नीचे जाती है और इन्हीं फ्रैक्चर में से पानी जाता है। तो उसने मुझे कहा कि तुझे अब डैम बनाना है तो ये जो फ्रैक्चर्स है इसके अपोजिट बना दे, धरती के ऊपर पानी मत रहने दे, जो भी कुछ पानी है वो धरती के पेट में नीचे चला जाए। तो जो नीचे के रिजर्वायर हैं धरती के अंदर के, जो धरती के अंदर डैम बन जाएगा और फिर उस पानी को निकाल के हम काम कर लेंगे। तो 2 दिन में उसने मुझे 25 कुएं दिखा के 2 बातें समझाई कि जहां धरती में वर्टिकल कन्फाइंड फ्रैक्चर्स हैं वहां धरती में ऊपर से नीचे सीधी सड़ होती हैं, वहां लंबे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ें लंबी होती है, और जहां हॉरिजेंटल फ्रैक्चर होते हैं नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 4 के नीचे आप देख रहे हैं ऐसे मिक्स फ्रैक्चर्स हैं, वहां पर पेड़ नहीं होते, वहां पर झाड़ियां होती हैं और कांटे वाले छोटे छोटे पेड़ होते हैं जैसे धोक, और जो कांटे के पेड़ हैं जिनकी जड़ें ऐसे थोड़ा घूम के हों। तो मुझे उसने जियो हाइड्रो मॉर्फोलॉजी और हाइड्रोलिक सब कुछ मुझे 2 दिन में, और उसके पास पढ़ाई के कुल 5-6 वर्ड थे, एक तो धरती का पेट, धरती की सड़, और धरती के सड़ में पानी कहीं जावे छे, ये 4-5 शब्द थे। उन 4-5 शब्द से मेरी पीएचडी कंप्लीट करा के मुझे कहा कि ये जो फ्रैक्चर्स हैं इनके अपोजिट पानी रोक देगा तो बस धरती में चला जाएगा। हॉरिजेंटल भी, हॉरिजेंटल में कैसी स्ट्रक्चर बनानी मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ, और फिर वर्टिकल में कैसे दिखा बनानी वो भी दिखाता हूँ। ये आगे चलेगा। देखो ये हमारा अरावली का हिस्सा है, अलवर अरावली में आता है। तो ये जो है, ये जो पूरा ऊपर वाला रीजन है, ये पूरे का पूरा वर्टिकल वाला, वर्टिकल फ्रैक्चर्स है। आपको धरती के ऊपर भी दिख रहे हैं, धरती के ऊपर ज़्यादातर फ्रैक्चर दिखते नहीं हैं, आपको धरती के अंदर ही जाना पड़ता है फ्रैक्चर को समझने, पर यहाँ इसमें क्लियरली दिख रहे हैं कि ये वर्टिकल फ्रैक्चर है। लेकिन नीचे वाली जो ये जो झाड़ी नुमा वाला जो जगह है यहाँ पर हॉरिजेंटल फ्रैक्चर्स हैं। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, और बस उसके अपोजिट हम लोगों ने जहां हमें जहां हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर मिले और स्टीप स्लोप था, पानी बहुत तेजी से जाता था, तो हमने हजारों डैम कॉन्वेक्स डिजाइन के बनाए। कभी भी हमने किसी डैम में स्टील और आयरन यूज नहीं किया। ये जो इंजीनियर खोपड़ी है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। ये जो खोपड़ी है ये सुंदर डिजाइन बनाती है, और सुंदर बना के सेफ्टी का ख्याल रखना, ये सब ख्याल रखती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, लेकिन इसको इस बात की तनिक चिंता नहीं होती कि यार इस स्ट्रक्चर में कम से कम पैसा कैसे खर्च हो
और ज्यादा से ज्यादा पानी कैसे रुके, कम खर्च करके लाभ कैसे ज्यादा हो, ऐसे हिंदुस्तान का इंजीनियर नहीं सोचता, गांव का आदमी सोचता है। इसलिए मैंने किसी सिविल इंजीनियर को, मैंने 11,800 छोटे बड़े डैम बनाए और कभी किसी सरकार लिया और किसी कारपोरेट को तो मैंने अपने इलाके में घुसने नहीं दिया। तो फिर ये 11,000 डैम बन कैसे गए? भाई पैसा तो कॉरपोरेट के पास है, पैसा कॉरपोरेट के पास तो होगा होगा, मुझे मालूम नहीं। अडानी अंबानी का पैसा मेरे काम का नहीं है, ना कोका कोला के काम का है। कोका कोला हमारा पानी का एनक्रोचमेंट भी करता है, पॉल्यूशन भी करता है, हमारे काम का नहीं है। लेकिन हमारे काम का कौन है? हमारे गांव में जब लोग पानी का काम करने लगे तो मैंने कहा, अरे भाई ये देखो कि ये पुराने जमाने में काम किसने किया था। तो लोगों ने ढूंढना शुरू किया, साहब हमारे गांव का एक बनिया था और उसने पूरे गांव में पानी का इंतजाम कर दिया था। तो मैंने कहा अब कहाँ गया? उसने कहा साहब वो गेट है कोई दिल्ली में और वहाँ उसका बड़ा बिजनेस है और वो तो अब खरबपति हो गया, अब वो गांव में नहीं आता। उसने तो अपनी गांव की जमीन भी छोड़ दी, गांव का घर भी ऐसे ही पड़ा है, सब 100 साल हो गए अब नहीं आता वो। तो मैंने कहा 100 साल हो गए? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तुम जाओ 5 आदमी और उससे पैसा मत मांगना कभी भी, वो रोटी खिलाए तो खा लेना उसके घर पे, और उसको साफा बांधना और पीले चावल दे के कहना कि गांव के लोगों ने वो जो तुम्हारे दादा ने जोड़ बनाया था उसको बनाने का फैसला किया है, पर गांव ने ये तय किया, भाई मालिक वो है उससे पूछ के आओ, मालिक कहेगा तो बनाएंगे, नहीं तो भाई कोई दूसरी जगह बनाएंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा, जैसे ही उसको ये बात सुनी उसकी आंखों में पानी आ गया। 100 साल बाद लोग मुझे इतना सम्मान करते हैं, हमारे गांव को, हमारे पुरखों को। तो उन्होंने कहा चलो भाई आज शाम को हम चलेंगे। तो दोनों भाई बैठ के कार में और इन लोगों को भी कार में लेके गांव पहुंच गए। उसने कहा हमारे बाप दादा ने कितना जोड़ बनाया था? उसने कहा साहब एक बनाया था। उनके पास कितना पैसा था? उसने कहा साहब 101 रुपये होते थे तब उनके पास, आपके पास कितने हैं? तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो हैं बहुत, उन्होंने बताया नहीं कितने हैं, पर हैं बहुत हैं, उनसे तो कई गुने ज्यादा हैं। तो अब आप देख लो थारे दादा ने कितने जोड़ बनाए थे, अब तुम कितने बना सकते हो। भाई साहब उस दोनों भाइयों ने कहा कि हम 11 जोड़ बनाएंगे। उनके दादा ने कितना बनाया था? 1। और ना तो कभी उस जोड़ पे बोर्ड लगाया कि ये फलाने सेठ ने बनाया, बस बनाया उसका हिसाब किताब रखा, बनवाने का रेख देख की, और ऐसे सब गांव में हमने जो भी हमारे गांव का महाजन था, सब जो गांव छोड़ के सब बाहर चले गए थे, उन सब को दोबारा गांव में बुलाया, गांव के साथ जोड़ा, गांव के साथ रिश्ते बनाए, और उन लोगों ने मिलकर, सारा पैसा उन लोगों से नहीं लिया, उन लोगों से केवल मटेरियल, भाई सीमेंट बाहर से बाजार से कभी कुछ खरीदना पड़ता है ना, तो जो चीज बाजार से लानी थी उसके लिए लिया, बाकी जो लेबर का काम था वो सारा गांव के लोगों ने किया। हम लोगों ने 1200 गांव में 10,840 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर जो इस संरचनाओं का निर्माण किया, उन संरचनाओं का जो डिजाइनिंग है वो सारे का सारा गांव के लोगों ने किया, गांव के कारीगरों ने किया, जिससे कम खर्चे में ज्यादा पानी रुक सके। देखो वो तो कॉन्वेक्स डिजाइन था, ये कॉनकेव है। कॉनकेव डिजाइन हम डोमेस्टिक पर्पज के लिए बनाते हैं, हमारी गाय भैंस बकरी को पीने का पानी चाहिए, लेकिन ये ऐसी जगह बनाते हैं जहां नेचुरल डिप्रेशन हो और मिट्टी में लाइम कंटेंट हो। ये जो पीने के पानी की स्ट्रक्चर सब जगह नहीं बन सकती, पीने के पानी की स्ट्रक्चर वहीं बनती है जहां पर मिट्टी में पानी को शुद्ध करते रहने की क्षमता हो। तो ये जो जो कॉनकेव स्ट्रक्चर्स हैं ये थोड़ी गहरी होती हैं और कम जगह पे ज़्यादा पानी रोकती हैं, तो ये हमारी पीने की स्ट्रक्चर्स हैं। ये हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर में बनी है। इन स्ट्रक्चर्स का काम ये हुआ कि हमारे इलाके में ये नौ जिलों का इलाका है, 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
इस इलाके में जो कुएं सूखे हुए थे वो कुओं में पानी नहीं था, खेती नहीं होती थी, इसलिए हमारे गांव के लोग गांव छोड़ के शहरों में चले गए थे, शहरों में मजदूरी करते थे सब जवान लोग, गांव में केवल बूढ़े लोग रहते थे। तो कुएं में पानी नहीं था तो कैसे खेती करें, तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनाई उनसे कुएं रिचार्ज हो गए, और कुएं रिचार्ज होने से ये लोग दोबारा से रिवर्स माइग्रेशन हो गया। लेकिन इस रिवर्स माइग्रेशन में आप जरा थोड़ा ये देखने की कोशिश करें कि ये जो बुरा हो रहा था ये क्यों हो रहा था, क्योंकि एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ी और दूसरी हमारा लाइफ स्टाइल बदला, तो हमारी डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ती है तो फिर थोड़ा हमारी लाइफ में बिना करे खाने की आदत पड़ गई है। क्या हो गया है कि जो हमारी इंजीनियरिंग है वो तो हमें, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी दोनों, वो क्या पढ़ाती हैं हमें, वो पढ़ाती हैं मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। और जब आपके मन में मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स आता है तब आपके मन में लव, अफेक्शन और रेस्पेक्ट ऑफ द नेचर दूर चला जाता है, तब आप केवल और केवल एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं कि आप कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करें। तो हिंदुस्तान की IIT हो, यूनिवर्सिटी हो, वो केवल और केवल एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी पढ़ाती हैं, और जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं मैनेजमेंट के, वो हमें मैनेजमेंट क्या पढ़ाते हैं, वो हमें मैनेजमेंट ये पढ़ाते हैं कि यार ये लोग जो बोल रहे हैं ना इनको ज़रा ठीक करो। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में पढ़ने वाले, मैनेजमेंट की शिक्षा पढ़ने वाले क्या पढ़ के आते हैं, वो भाई जैसी स्थिति है ज़रा उसको मेंटेन करके रखना है, तो उनकी जो मैनेजमेंट की पढ़ाई है ह्यूमन मैनेजमेंट की और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की, उस सब में केवल ये पढ़ते हैं कि जो लोग जहाँ बोल रहे हैं उनकी बोलती बंद करो, बस वो बोलती बंद हो जाए उनकी और स्थिति जरा बनी रहे, मेंटेन रहे, वैसी की वैसी स्थिति को मेंटेन करके रखो। और सोशल साइंटिस्ट को क्या पढ़ाते हैं, सोशल साइंटिस्ट को पढ़ाते हैं कि देखो तैने PhD कर ली सोशल साइंस में, अब तू धरती पे काम मत करना, समाज के साथ काम मत करना, अब तू किसी यूनिवर्सिटी में जाके केवल पढ़ाना बस। तो हमारी जो तीन तरह की पढ़ाई है, एक तो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की, वो तो नेचर को एक्सट्रैक्शन करना सिखाती है, दूसरी है मैनेजमेंट की पढ़ाई, वो जो भी कुछ है उसको बस मैनेज करके रखना, वो कुछ नया इनोवेटिव क्रिएटिव मैनेजमेंट नहीं पढ़ाते, जो स्थिति है उसको मेंटेन करके कैसे रख सकते हो, स्थिति बिगड़े नहीं, बस बिगड़े नहीं, जो जैसी है उसमें से थोड़ा कम खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव करते हैं, तो वो ये करते हैं कि जिसमें ज़रा तुम्हारा खर्चे कम हो और थोड़ा मैनेज हो जाए, ऐसी मैनेजमेंट की शिक्षा पढ़ाते हैं। और सोशल साइंस में ये पढ़ाते हैं कि तुमने अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, डॉक्टरेट हो गए हो, तो अब तुम कोई वॉलंटरी काम मत करना, बिना करे कैसे तुम ज़्यादा खा सकते हो, वो हमें पढ़ाया जाता है। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसने हमारा जो पूरे का पूरा जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है वो चेंज कर दिया। अब बड़ा कौन है, जो ज़्यादा बड़ी चीज़ों पे कंट्रोल कर सकता है, जो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जो सबसे ज़्यादा पोल्यूट कर सकता है। इस वक्त इस देश में सबसे बड़े आदमियों का दो नाम है, एक का नाम है अडानी और एक का नाम है अंबानी, सबसे ज़्यादा मालाएं उनको पहनाई जाती है, सबसे ज़्यादा कब्जे समुद्र के ऊपर, नदियों के ऊपर, जो भी कॉमन प्रॉपर्टी है फॉरेस्ट लैंड पर उनके हैं, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन वो करते हैं और सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन वो करते हैं। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, जो डेवलप, उसको डेवलप कहते हैं हम लोग, जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट और पॉल्यूट करता है नेचर को, वो आज का डेवलप सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और जब वो सिचुएशन आती है तब उसमें राज्य जो है इंटरवीन करता है, कहता है कि देखो यार तुम लड़ रहे हो ना आपस में, लड़ो मत, तुम्हारे लड़ाई को कम करने के लिए हम तुम्हें सब्सिडी दे देंगे। तो फिर सब्सिडी वाला चैप्टर आता है, मदद करने वाला चैप्टर आता है, और फिर सब्सिडी के बाद हमारे जो भी काम करने के तरीके हैं वो सब छूट जाते हैं, गाँव के लोग काम करना छोड़ देते हैं। फिर गांव के लोग सोचते हैं कि भाई अब अकाल आ गया, ड्राउट आ गया है, तो इस ड्राउट से बचना है तो सरकार करेगी। ड्राउट शब्द सबसे पहले राजा जनक के काल में आया था, राजा जनक त्रेता काल का राजा था। राजा जनक को जब, उस जमाने में लोग बिना डरे राजा के खिलाफ बोल सकते थे,
राजा जनक को कहा, राजा तुम महारानी के साथ भोग में डूबे रहते हो महल में, ये महल छोड़कर हल चलाओ राजा और रानी मिलकर, तो ड्राउट भग जाएगा, अकाल मिट जाएगा। और राजा जनक लोगों का कहना मानकर हल चलाने के लिए गया महल छोड़ के। आज तुम्हारा कोई जाता है राजनेता किसी के सलाह से? सब नेचर को कैसे हम लोग खींच लें उसी में लगे रहते हैं। सबसे पहला ड्राउट आया राजा जनक के काल में, त्रेता काल में, और जो 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 फ्लड है वो आया द्वापर में, भगवान कृष्ण जी से कहते हैं। वो तो भगवान नहीं था बेचारा, वो तो गाय चराता था, गाय चराने वालों का नेता था। तो उसने कहा कि भाई यहाँ सारा ये पानी आ रहा है, गाय भैं गाय मरेंगी और लोग भी मरेंगे। तो वो गोवर्धन पर्वत के पास उनको ले जा ले गया। किताबों में तो लिखा है कि गोवर्धन पर्वत को ऐसे ऊपर उठाया उंगली पर और उसके नीचे आ गया, लेकिन ऐसे कृष्ण इतना पागल नहीं था कि पहाड़ को ऊपर उठाए, वो तो पहाड़ के ऊपर सब लोगों को ले जाके किया। आजकल हिंदुस्तान में ड्राउट और फ्लड का कंट्रोल करना पढ़ाया जाता है, उसके साथ कोऑप कैसे करें, ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इसको समझ के हम लोग कैसे उससे निपट सकते हैं ये कोई नहीं सिखाता, केवल कंट्रोल करना सिखाते हैं और कंट्रोल के नाम पर बड़ा बजट खर्च करते हैं। तो ये जो हमारा ड्राउट और फ्लड के कंट्रोल का नया फैशन आया उसने सब गड़बड़ियाँ की, और उसके कारण ये जो क्रिएशन ऑफ डिपेंडेंसी सिंड्रोम आया, और डिपेंडेंसी सिंड्रोम के कारण हमारी जो कम्युनिटी थी, जो समाज अपना काम खुद करता था। आपको जान के ताजुब होगा, राजा पानी के काम के लिए जमीन देता था, कभी मना नहीं करता, प्रजा पानी के काम के लिए मिलके पसीना लगाती थी, और गांव का महाजन आप समझते हैं ना, महाजन उसको कहते हैं जो पैदा करने वाले और खाने वाले दोनों के बीच में ब्रिज बनाता है, दोनों को जोड़ता है, व्यापार करता है, जो बिजनेस करता है, बिजनेस करने वाले को भारत में महाजन कहते थे। तो महाजन पानी के काम के लिए मदद करता था। राजा, प्रजा और महाजन तीनों मिलके भारत का पानी का प्रबंधन किया करते थे। कभी कोई राजा ने पानी के काम के लिए पैसा नहीं दिया था, एक भी पैसा, सारा काम पैसे के लिए महाजन करता था। महाजन क्यों करता था? महाजन के घर पर दो शब्द लिखे होते हैं, एक लिखा होता है लाभ, प्रॉफिट, और दूसरा लिखा होता है शुभ। ये जो शुभ है ये कॉमन फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए है, कि जो कॉमन फ्यूचर हमारा अच्छा रहे उसके लिए काम करने को शुभ कहते हैं। तो ये जो शुभ है, शुभ के लिए महाजन सा काम करता था, लाभ के लिए तो करता ही था, प्रॉफिट उसकी बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट था शुभ, इसलिए शुभ राइट साइड में लिखा जाता था। तो अभी तो वो सब खत्म हो गया, हमारी कम्युनिटी सारी खत्म हो गई। इसको यदि हमें दोबारा रिवाइव करना है तो दोबारा से इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को, इंडियन विजडम को हमें अपने बिजनेस में समझना होगा। यदि हम अपने बिजनेस में समझेंगे तो सबकी आंखों में दोबारा पानी आएगा। आजकल हमारी आंखों का पानी सूख गया है, किसी गरीब आदमी को देखकर किसी की आंख में पानी नहीं आता। तो सबसे पहले आंखों में पानी कैसे आए? जब तक हमारी आंखों में पानी नहीं आएगा तब तक धरती पे पानी नहीं आएगा। आंखों में पानी नहीं होगा तो भारत की नदियां सूखेंगी, मरेंगी, पॉल्यूट होंगी, और भारत की नदियों का पानी पीने के लायक नहीं होगा। और फिर वो पॉल्यूटेड नदियों का पानी जब हम पिएंगे तो हम बीमार होके हम भी मरेंगे। केवल गरीब मरेगा ऐसा नहीं, अमीर पहले मरेगा। पानी का जो मामला है वो गरीबी अमीरी नहीं देखता, उसका मामला हेल्थ के साथ जुड़ा है। इसलिए हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, और वो अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशनल सिस्टम से लानी पड़ेगी। हिंदुस्तान में पानी के बारे में 6 R थे, जबकि दुनिया में पानी के बारे में केवल 3 R हैं। हिंदुस्तान में पानी सबसे पहले शुरू होता था रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट ऑफ वाटर, रिड्यूस यूज ऑफ वाटर। मेरे दादा ने, जब मैं 11 साल का था, मेरा दादा अनपढ़ था,
मैं 11 साल का था, मेरे हाथ से एक मटकी बिखर गई, पानी मटकी टूट गई। पता है मेरे दादा ने मुझसे क्या कहा था? तैने जितना पानी बखेरा है ना, उतने तेरे जिंदगी के दिन कम हो गए। मेरा दादा मुझे बहुत प्यार करता था। लेकिन हमारे जीवन में कैसे हम कम से कम पानी का उपयोग करें, यह हमें हमारे परिवार में, घर में सिखाया जाता था। रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, ये जो रेस्पेक्ट और रिड्यूस यूज ऑफ वाटर है, ये केवल और केवल भारत के लोग जानते हैं। दुनिया में कोई रिड्यूस यूज का, कोई स्किल एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर का सिस्टम कहीं नहीं था, केवल भारत में था। और एक भारत में अलग शब्द था, रिजुनेट नेचर विद वाटर, रिजुनेट ह्यूमैनिटी फाइनली एंड नेचर विद वाटर। और पूरी दुनिया में कौन से तीन आर हैं? रिट्रीट, रिसाइकल एंड रीयूज। इसका मतलब ये कि भारत दुनिया के ज्ञान तंत्र में दुगना था, दुगना, जिसके पास उसकी वोकैबुलरी में, उसकी शब्दकोश में तीन अतिरिक्त शब्द थे पानी के बारे में, रेस्पेक्ट, रिड्यूस और रिजुनेट नेचर विद वाटर। जबकि दुनिया में केवल तीन शब्द हैं, रिट्रीट वाटर, रिसाइकल वाटर एंड रीयूज वाटर। तो ज्ञान के मामले में तो हम कम नहीं थे, लेकिन हम व्यवहार और संस्कार के मामले में हमारे जीवन में गुलामी के दिनों में गिरावट आई, और उस गुलामी की गिरावट का अभी तक आजादी के बाद हम खड़े नहीं हो पाए, अभी तक हम लोग आगे नहीं चढ़ पाए। दोस्तों, आज सबसे ज्यादा पानी खेती में खर्च होता है। क्यों खर्च होता है? सबसे ज्यादा पानी हम लोगों को खेती में खर्च करना पड़ता है। कारण यह है कि पुराने जमाने का फार्मर पानी जानता था कब बरसेगा, इसलिए उसको पलेवा करने की जरूरत नहीं थी। क्रॉप पैटर्न रेन पैटर्न के साथ लिंक करता था, इसलिए वो पानी का ज्यादा यूज नहीं करता था, बहुत कम डिस्चार्ज था। अभी हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारा रेन पैटर्न बदला है, उस रेन पैटर्न की समझ हिंदुस्तान के किसान को नहीं है। अभी भी उसका सोइंग सीजन वही है जैसा पहले था, अभी भी क्रॉप पैटर्न मार्केटाइज हो गई है, और जिसमें ज्यादा पानी खर्च होता है वो बोता है। तो सबसे पहले भारत को यदि पानीदार बनना है तो लिंकिंग क्रॉप पैटर्न विद रेन पैटर्न करना पड़ेगा, और इसके लिए इंडिया में एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट की जरूरत है। हिंदुस्तान को दोबारा से एक वाटर लिटरेसी ड्राइव लेने की जरूरत है। यदि हिंदुस्तान वाटर लिटरेसी की ड्राइव नहीं लेगा तो हम बेपानी हो जाएंगे। और फिर स्टॉप इरोजन एंड सिल्टिंग। ये जो इरोजन है, इस इरोजन के कारण ड्राउट आता है क्योंकि पानी रिचार्ज नहीं होता, और सिल्टिंग के कारण फ्लड आता है। ये जो ऊपर से मिट्टी आती है, जैसे ही नदी में जम जाती है तो नदी का तल ऊपर होता है, और नदी में पानी फ्लो करने के बजाय दोनों तरफ से फ्लो करने लगता है, फ्लड में लोग डूबने लगते हैं। केदारनाथ की बाढ़ हो या कश्मीर की बाढ़ हो, पहाड़ के ऊपर बाढ़ आना यह बिल्कुल नया फेनोमिना है। पहाड़ पर बाढ़ आई है हमारे विकास के विनाश के रास्ते से, इसलिए हमें जरा ये जो लैंडस्केप का डेंजरस है उसको समझने की जरूरत है। ये चलने में क्यों देर करता है? कौन इसको ऑपरेट कर रहा है भाई? देखो, ये जो लोग हैं ये सब अनपढ़ लोग हैं, इनमें से एक भी आदमी नहीं है जो किसी इंजीनियरिंग में पढ़ा हो, लेकिन ये असली इंजीनियर हैं। कम खर्च में धरती के कंटूर पर कैसे कम खर्च करके ज्यादा पानी रोकना, उसकी रिसोर्स मैपिंग करके साइट सेलेक्ट करते हैं। साइट सिलेक्शन ये नक्शे के ऊपर नहीं करते, नदी के ऊपर जाके ट्रांजेक्ट करके देखते हैं कि कहां पर इनको फाउंडेशन ज्यादा ना खोदनी पड़े, बिना फाउंडेशन के कैसे नेचुरल तरीके से ऊपर से पानी रोककर कम खर्चे में ज्यादा पानी रोक सकते हैं और रिचार्ज कर सकते हैं अंडरग्राउंड एक्वीफर को। उसके कारण इन लोगों की जो रिसोर्स मैपिंग है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत बढ़ी। और देखो, जब कोई मालिक बन जाता है ना, आप मालिक हैं सब जो भी इस हॉल में बैठे हैं, आप मजदूर से ज्यादा काम करते हैं कि नहीं करते? सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं सोनी साहब, आप मजदूर से ज्यादा काम करते हैं ना? क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है।
तो जब आपके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ओनरशिप होती है तब आप मालिक बनते हैं, और मालिक बनके आप ज्यादा काम करते हैं। मजदूर ज्यादा काम इसलिए नहीं करता कि उसकी मालिक, उसकी बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप उसके साथ जुड़ती ही नहीं है। तो हमने इनको मालिक बनाया कि भाई ये तुम्हें यदि पानी का काम करना है तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें कोई थोड़ा बहुत मदद कर देगा तुम्हारे गांव का सेठ जी, लेकिन सारी मदद नहीं कर सकता, तुम सब सीखोगे तो काम होगा। इसीलिए इन्होंने ये किया। ये दोनों फोटोग्राफ 20 फरवरी सुबह 11 बजे के हैं। इस पे कोई क्रॉस सवाल पूछेगा मुझसे कि साहब नहीं, एक फोटो तो जुलाई का है और एक फोटो जून का है, अगस्त का है। इसका क्रॉस आंसर ये है, नीचे मस्टर्ड है, राजस्थान में सरसों पर फूल फरवरी में आते हैं, फलियां फरवरी में लगती है। तो ये जो फसल है नीचे, ये आपको बताती है कि एक ही दिन और ऊपर की लाइट, लेकिन पहाड़ कैसे हरा हो गया। मैंने प्लांटेशन नहीं किया पहाड़ पे। अभी इस देश में नेताओं का और बाबाओं का बड़ा नेक्सस है, प्लांटेशन के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर। प्लांटेशन से नहीं होगा कुछ, यदि कुछ करना है ना, नदी को जिंदा करना है, तो नदी में जो इरोजन आ रहा है उसको ऊपर से रोककर रिचार्ज के फ्लो बनाने पड़ेंगे। आपको नदी जिंदा करनी है तो फ्लो को स्लो करना होगा। रिवर रिजुनेशन का एक ही सिद्धांत है कि वो जो बारिश का पानी फ्लश फ्लड की तरह नीचे आ जाता है उसको स्लो करना है, वो नीचे धीरे धीरे आए धरती के पेट को करता है। तो जब भी आप फ्लो को स्लो करते हैं तो नदियां रिजुनेट हो जाती हैं। इसलिए हमने जो इनके ऊपर जो भी कुछ काम किए, जो मैंने पहले दिखाए, वो फ्लो को स्लो करने वाले काम थे, इसलिए ये नदी अब फ्लो करने लगी, पेरेनियल हो गई। हम लोगों ने 9 नदियों को पेरेनियल किया है। 2 नदियां हमने महाराष्ट्र में की हैं, सांगली जिले में अग्रणी नदी और महाकाली नदी, और एक नदी हमने कर्नाटक में की है ईचनहल्ला, और 6 नदियां हमने राजस्थान में की हैं। राजस्थान हिंदुस्तान का सोतेला बेटा है, आप सब भगवान के लाडले बेटे हैं, भगवान आपको बहुत प्यार करता है, लेकिन राजस्थान पे उतना प्यार नहीं करता, राजस्थान को कम बारिश देता है, राजस्थान की मिट्टी ऐसी है जो हवा में उड़ जाती है, राजस्थान से भगवान जी हमेशा पता नहीं वो क्यों इतना गुस्सा करता है हम पर, इतनी गर्मी करता था, पर हमने भगवान का गुस्सा ठंडा किया और अब हम भगवान के लाडले बेटे बन रहे हैं। ये देखो, ये वही नदी है, वही जगह है, अभी यहाँ हमेशा पानी बहता रहता है। ये दोनों फोटोग्राफ भी फरवरी के हैं, 20 फरवरी के। वो पेड़ जब हमने काम शुरू किया छोटा सा था, अभी तो इतना बड़ा हो गया और धरती का चेहरा बदल गया। तो जब आप धरती को प्यार करने लगते हैं, ये नेचर और ये धरती आपका प्यार चाहती है, बाकी तो वो सब खुद कर लेती है। धरती के अंदर बहुत ताकत है करने की, आप उसको थोड़ा लव, थोड़ा अफेक्शन और थोड़ा रेस्पेक्ट दे दीजिए, बस आपके लव अफेक्शन रेस्पेक्ट से ये पूरी नेचर रिजुनेट हो जाती है, फिर बाकी के काम तो हो जाते हैं। काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिजिकल काम से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा खोपड़ी का प्यार प्रकृति को मिल जाए। अरे भाई, जब मैं आया भारत सरकार छोड़ के, तब मेरे पास पता क्या था, कुल 23,000 रुपये थे, सब कुछ बेग बाग के, और मैंने चूंकि जल्दी रिजाइन किया था इसलिए कुछ पिछला कुछ मिला नहीं था, और मुझे कभी पैसे का संकट नहीं हुआ, कभी एक दिन भी। और मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर कह रहा हूं 11,800 डैम बनाए, बन गए ना। तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसा तो आपके पास आना ही है, आ ही जाएगा, बस उसको लाने के लिए, उसको रखने के लिए, उससे और अच्छे काम, बड़े अच्छे काम कैसे हो सकते हैं, वो करने का कौशल और पारदर्शिता, ईमानदारी और पारदर्शिता आपके काम में होती है तो आ जाता है। दोस्तों, मैं इस आदमी से तुम्हें मिलाना चाहता हूं। ये 2 बार नहाता था, होली और दिवाली इसके नहाने के दिन थे, साल में 2 बार। अभी ये रोज नहाता है, 2 बार नहाता है। मुझे ये मालूम नहीं कि इसके 2 बार नहाने से
हिंदुस्तान की जीडीपी कैसे इंपैक्ट, जीडीपी पर क्या इंपैक्ट हुआ, आई डोंट नो कि इसके दो बार नहाने से भारत की जीडीपी कितनी बढ़ गई, ये मैं नहीं जानता। बट मैं ये जानता हूँ कि इसकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है वो कितना बढ़ा है। तो जब जीवन में खुशियाँ आती हैं ना, फिर वो आदमी 10 गुना ज़्यादा काम अपने आप करने लगता है, फिर उसको खुशियों से वो अपने काम मान के करने लग जाता है। देखो ये नीमी गांव है, जयपुर शहर से 32 किलोमीटर दूर। दिल्ली की तरफ जब आते हैं तो बाईं तरफ अंदर जाके ये गांव था नीमी। इस गांव के सारे लड़के जयपुर के जो ट्रक ऑपरेटर है ना, उनके ट्रक लोडिंग का काम करते थे, कमर पे बोरी लाद के ट्रक भरते थे। अभी इस गांव के लड़के जयपुर के ट्रक ऑपरेटर्स को रोजगार देते हैं, समझ में आया। कल तक ये जिससे मजदूरी लेते थे, आज उसको मजदूरी देने वाले बन गए। क्या किया इन्होंने ऐसा? कुछ नहीं किया बड़ा काम। क्या किया? देखो ये जो ये आपको पीछे पहाड़ दिख रहा है एक दूर थोड़ा इस स्लाइड में, इस पहाड़ पे जो बारिश होती थी, ये सामने वाला, इस पहाड़ के पानी को इन्होंने, ये रेत सैंडी सॉइल है, इस सैंडी सॉइल में डीपन करके पानी को रोक दिया और वो पानी पेनिट्रेट होकर नीचे धरती में नीचे की तरफ, इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक करीब 150 स्ट्रक्चर्स बनाई इस तरह की। उस सब में 450 स्क्वायर किलोमीटर की ये छोटी सी, बहुत स्मॉल स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम पर ये सारी रेतीली मिट्टी है, बिना सिंचाई के सब्जियां होती हैं और उन सब्जियों को दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में लाने का काम वही ट्रक ऑपरेटर करते हैं जिनके यहाँ मजदूरी करते थे। हमारे राजस्थान के लोग इस मामले में बहुत अच्छे हैं, उनकी अच्छाई ये है। मैं, आप ये मत सोचना कि मैं केवल राजस्थान की प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छी बात बता देना अच्छा रहता है। उनकी मन ये है कि भाई जिनके साथ हमने जब काम किया, जब हमारे पास कुछ नहीं था, उन्होंने हमें सहारा दिया, तो अब हमारे पास कुछ हो गया तो अब हमारा लाभ उन्हीं को मिलना चाहिए। ये जो एक सेंस है, एक लंबे समय तक मूव करना, लंबे समय तक रिश्ते रखना, ये वहाँ के लोगों में थी। इसलिए अभी इन्होंने कोई दूसरे ट्रक ऑपरेटर नहीं लगाए, उन्हीं ट्रक ऑपरेटर्स को अपनी सब्जियाँ दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में लाने के काम में लगाया। तो ये जो रिश्ते हैं, बिल्डिंग ऑफ द ब्रिजेज विद द वाटर एंड कम्युनिटी, और उसका जो बिजनेस है, असलियत में हम लोग कई बार अपने बिजनेस में फिजिकल वर्ल्ड को ज़्यादा देखने लगते हैं, और ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, ये जो हमारे स्पिरिचुअल नेचुरल रिलेशनशिप है, ये एक तरह का नेचुरल रिलेशन है, ये जो नेचुरल रिलेशनशिप है इसको हम भूल जाते हैं। तो हमें इस 21वीं शताब्दी में इलेक्ट्रिसिटी को ठीक रखना है तो नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड, नेचुरल और फिजिकल बिजनेस में ब्रिज बनाने का काम करना पड़ेगा, जिससे समाज, राज और आपका बिजनेस तीनों एक साथ जुड़कर आगे जा सकते हैं। लेकिन ये आगे जाएंगे जब पहले पानी होगा। पानी है नेचुरल स्पिरिचुअल काम। इसलिए आप ये देखें कि जब मैंने काम शुरू किया था तब मुझे लोग पागल कहते थे। क्यों पागल कहते थे? मुझे एक बात का मालूम था कि भाई ये जो सूरज है ये ही पानी बनाता है। सूरज के अंदर से एक तरह की एनर्जी निकलती है, जब वो एनर्जी निकलती है ना, जिसको हीट भी कहते हैं और एनर्जी भी कहते हैं दोनों को, तो वो एक ही तरह की होती है। उसके अंदर O2 नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता। जब वो एनर्जी आती है तब बिल्कुल O2 लेस, H2O लेस एनर्जी होती है। लेकिन जैसे ही वो यदि समुद्र के ऊपर पड़ी तो समुद्र के पानी को जो डीसेलिनेट करती है, समुद्र के खारे पानी को सूरज की एनर्जी और उसकी जो हीट है वो डीसेलिनेट करके ब्लू हीट बनाती है। उसको मैंने नाम दिया ब्लू हीट। वो अब सूरज से निकलती थी तब रेड हीट थी, लेकिन वो जैसे ही समुद्र पे पड़ी, समुद्र के ऊपर पड़ने वाली हीट जो पानी को डीसेलिनेट करती है उसको ब्लू हीट कहते हैं। फिर ये जो ब्लू हीट है, ये आगे चलो भाई, कौन है, हाँ, हवा के सहारे
वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सतपुड़ा के जंगल और विंध्यन जो हरियाली है, जब वो सूरज की गर्मी हरे जंगल पे पड़ती है तो गर्मी तो होती है, लेकिन पेड़ों की पत्तियों से पानी का ट्रांस एवोपरेशन करती है। तो उस ट्रांस एवोपरेशन में ऑक्सीजन बहुत होती है, उसका जो करेक्टर है, ये जो समुद्र से आ रहा था उसमें केवल H2O ज़्यादा था, जब वो ग्रीन हीट के ऊपर आया, ग्रीन जंगल पे आया, तो O2 ज़्यादा बढ़ गई, और O2 बढ़ने के बाद फिर ये जो H2O और O2 दोनों मिले तो देखो क्या हो गया, बारिश हो गई, दोनों डिस्चार्ज हो गए, और दोनों का डिस्चार्ज होने में इनकी गर्मी भी डिस्चार्ज हो जाती है और पानी भी डिस्चार्ज होता है, दोनों एक साथ डिस्चार्ज होते हैं, और डिस्चार्ज होके ये जो हरियाली है, इस हरियाली को फिर पोषण करते हैं, उसको फिर नरेट, फिर उसमें उत्पादन की शक्ति बढ़ाते हैं, उत्पादन करते हैं। तो देखो ये जो रेड हीट इधर है ना, नंगा इलाका, हम जो हैं राजस्थान के, राजस्थान यहाँ हैं, ये जो जहाँ ये रेड तीर है इसके नीचे राजस्थान वाला इलाका है। इस इलाके में हमने उस जमाने में ये रेनसडो रीजन था। रेनसडो क्यों था? क्योंकि रेड हीट के कारण गर्म हवा चलती थी और जो इधर से बादल जाता था वो गर्मी के कारण वहाँ बरस नहीं पाता था, आगे हवा में निकल जाता था, तो ये रेनसडो रीजन था। इस इलाके में हम लोगों ने पूरा ऊपर से नीचे तक छोटे छोटे बांध, डैम, जोहड़, चेक डैम, एनिकट, डिफरेंट डिज़ाइन की 11,800 स्ट्रक्चर बनाई। तब उस ज़माने में लोग मुझे कहते थे, यार ये एक डॉक्टर आया है, ये पागल हो गया है, बारिश होती नहीं है और ये जोहड़ बांध बनाया जा रहा है, इसकी खोपड़ी पे कुछ खराबी आ गई है। इसलिए मैं उनको ये कहता था कि देखो अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश होगी यहाँ। तो कहते थे बारिश कैसे होगी जब अब नहीं हो रही। मैंने कहा पहले होती थी कि नहीं? तो कह रहे थे हाँ पहले तो होती थी, 100 साल पहले, ये देखो ये सड़क बहती थी, ये नदी में पानी था, तो अब नहीं होती तो अब नहीं होगी। मैं कहा कि पहले जो होता था वो दोबारा भी होगा, लेकिन पहले जैसे लोग रहते थे वैसे लोग रहना शुरू करें, वैसे लोग करना शुरू करें। तो वो कहते थे तुम्हें इतने साल हो गए, अभी तो हुआ नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि देखो हिस्ट्री तो जल्दी चेंज हो जाती है, हिस्ट्री आपका एक प्रेसिडेंट, एक राजा बदला तो हिस्ट्री चेंज हो जाती है आपकी कंट्री की, प्राइम मिनिस्टर बदला तो हिस्ट्री चेंज हो जाती है, वो जल्दी हो जाती है, लेकिन जब आपको जियोग्राफी बदलनी होती है तो टाइम लेता है, तो कम से कम 20 साल लगेंगे इसमें, 20 साल इंतजार करो, 20 साल में दिन बदलेंगे, आएंगे। तो अब क्या हुआ, 20 साल में हमारे दिन बदल गए, बारिश तो अभी वहीं हो रही है ज़्यादा, देख रहे हो आप, लेकिन हमारी वाटर बॉडीज में पानी आने लगा, और जैसे ही हमारी वाटर बॉडीज में पानी आना शुरू हुआ तो उस इलाके में जो जवान लड़के गांव छोड़ के चले गए थे वो वापस गांव में आ गए और खेती करने लगे, और खेती करने लगे तो फिर यहाँ से भी थोड़ा हरियाली में, हरी पत्तों में थोड़ा एवोपरेशन बाहर आता है ना, ट्रांस एवोपरेशन, उसकी लेयर यहाँ बनने लगी, तो माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ भी शुरू हो गया, और माइक्रो यहाँ हो गया और मैक्रो दोनों मिल गए। भाई जी जब मैंने काम शुरू किया था तब 150 mm रेनफॉल था, अभी हमारे इलाके में 600 mm रेनफॉल है। अब आप कहेंगे कि देखो यार अलवर के खैरतल वाले इलाके में तो अभी भी टेम्परेचर वैसा है, तो आप न्यू साइंटिफिक कहेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन जिस इलाके में ये हरियाली बढ़ी, जिस इलाके में ये हरियाली बढ़ी और वहाँ क्रॉप पैटर्न और रेन पैटर्न का लिंक हुआ और रिश्ता बदला, उस इलाके का टेम्परेचर 1.5 डिग्री नीचे गया। वैसे तो 3 डिग्री गया, क्योंकि जब हमने काम शुरू किया था तब 49 डिग्री तक जाता था टेम्परेचर, अभी पिछले 13 सालों का जो डेटा है उसमें केवल 46 गया है। लेकिन ये जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि 3 डिग्री टेम्परेचर पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आ सकता, अभी तक का जो हिस्ट्री है 100 सालों में देख रहे हैं उसमें केवल 1.5 डिग्री आया है, तो आप 3 डिग्री तो नहीं बोल सकते। यदि 3 डिग्री आप अपने डेटा के आधार पर बोलेंगे तो ये केवल
टेम्परेरी हो सकता है, कभी फिर मौसम बदलेगा और फिर आपका एकदम से सडनली चेंज होगा, तो फिर आपका ये जो स्टेटमेंट है बदलेगा। इसलिए आपको साइंस, ये जो सेंस विद साइंस, इसके आधार पर अभी आपको यही कहना पड़ेगा। 3 डिग्री आप कम नहीं बोल सकते, आपको अभी भी 1.5 डिग्री ही कम बोलना पड़ेगा। इसलिए आप अपने डेटा को अभी आधार मत मानिए, आपका डेटा का आधार बहुत छोटा है। कितने साल हुए, 35 साल हुए ना कुल, तो 35 साल में तो सब चीज़ें नहीं बदलती, कम से कम 100 साल चाहिए उसको। तो उस आधार पर मैं उसको 1.5 डिग्री ही कहता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बदला, और अभी हमारे यहाँ अच्छी बारिश होने लगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2015 से पहले जब भी क्लाइमेट की बात करते थे तो केवल गैसेस की बात करते थे, लेकिन हमने पेरिस में 2015 में दुनिया भर के 30,000 लोगों ने, पूरी दुनिया के 30,000 लोगों ने पेरिस की सड़कों पर नवंबर के महीने में 40 दिन तक क्या किया, मार्च किया, और कहा कि ये जो पेरिस एग्रीमेंट है इसमें यदि पानी को शामिल नहीं किया गया क्लाइमेट में तो हम इस एग्रीमेंट को चलने ही नहीं देंगे। फाइनली यूएन ने जो सस्टेनेबल एसडीजी बनाया उसमें पानी को खूब 6 नंबर पर और 13 नंबर पर जगह दी, और पेरिस एग्रीमेंट में वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर इस स्लोगन को माना गया। अभी तो पानी आपके जीवन के लिए एक इम्पॉर्टेंट काम है, और उतना ही इम्पॉर्टेंट काम है जितना आपका पहले नंबर 1 पर। बिजली आपकी उसके पानी के बाद आएगी, इसलिए आप बिजली तो इलेक्ट्रिसिटी तो बनाइए, उसकी बात भी करिए, उसका बिजनेस भी करिए, लेकिन भाई ज़रा पानी के बारे में सोच लीजिए। वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर, और क्लाइमेट इज अवर लाइफ। तो हम यदि इस रिश्ते को दोबारा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट करना होगा। कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट करने के लिए इंडिया को इस वक्त एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों की आंखों का पानी भी सूख गया है और दिल तो हमारे बेपानी हो गए हैं, दिलों में तो पानी रहा ही नहीं है। इसलिए आँखों में पानी आए, दिल में पानी आए, तब हमारी नदियाँ पानीदार होंगी, नहीं तो नदियाँ नाले बनेंगी, सूखेंगी, और गंगा में आप हजारों करोड़ खर्च करते जाएंगे, गंगा निर्मल नहीं होगी। गंगा की अविरलता निर्मलता तब आएगी जब पहले भारत के लोगों की आंखों में पानी आएगा, और भारत के लोगों की आंखों में पानी लाने के लिए भारत को एक वाटर लिटरेसी की मूवमेंट की ज़रूरत है। भारत को फिर एक बार ये कहना पड़ेगा कि हम नीर, नारी और नदी, नीर समझते हैं ना, नीर माने वाटर, हाँ पानी का असली नाम, और नारी को आप समझते हैं कि नहीं, नारी हमें जन्म देने वाली, हमें पैदा करने वाली, और नदी, नदी का मतलब है फ्लो, विदाउट फ्लो ये दुनिया चलती नहीं है। तो हमें, जैसे हमारे जीवन को फ्लो चाहिए वैसे इस नेचर को फ्लो चाहिए। तो जो नेचर का फ्लो है उसका नाम है नदी, और वो जो फ्लो है वो बिजनेस का फ्लो भी है, इकोनॉमी का भी है, कल्चर का भी है, स्पिरिचुअल फ्लो है रिवर का। तो ये फ्लो के बिना तो ये दुनिया चलती नहीं है, इसलिए ज़रा इस फ्लो को रेस्पेक्ट करें। और अब ये जो ह्यूमन राइट वाले आंदोलन है उनको ज़रा भूल जाएं थोड़े दिन के लिए, ह्यूमन राइट मूवमेंट की अब ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है नेचर राइट की। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. It was a wonderful session, sir. You want to have some question answer session? Sir, ऊपर आ जाएं. Sir. मेरा प्रश्न था, आपने बिजली और पानी का लिंक किया और सूरज भी लाया बीच में, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, आपसे जवाब मिल सकता है। बिजली को स्टोर करना बड़ा महंगा होता है, बैटरीज जो आती हैं बड़ी महंगी होती हैं, और हमारे गांव में बिजली नहीं है, पर सूरज सब जगह है, और मैं भी राजस्थानी हूँ, राजस्थान में तो सूरज, भगवान की दया है, सूरज बहुत है। उस पानी को जब
हम सूरज से पैदा करें और उस पानी को स्टोर करें, क्योंकि आपको कंटूर्स की बड़ी ज्ञान है। हाँ। तो आपने जो बनाया वो कंटूर वहाँ देखा जहाँ पानी आ गया। हाँ। पर कहीं ऐसा कंटूर हो सकता है जहाँ ऊपर भी हो, उसको हम स्टोर कर सकें। हाँ। तो वो पानी अगर स्टोर हो जाएगा ऊपर के लेवल पे उस सूरज की बिजली से, जो कि बहुत सस्ती हो सकती है, तो हम पानी को स्टोर करके फिर हम सिंचाई और अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस पर अगर आप कुछ विचार व्यक्त करें। देखो, इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है और ये सवाल, आज इस सवाल को समझने की थोड़ी और ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो सूरज है, सूरज की गर्मी अभी हमारे लिए कोई टैक्स वाली गर्मी नहीं है, वो हमें फ्री ऑफ टैक्स मिल रही है। अभी आप हाइड्रो पावर बनाना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन सूरज से यदि बिजली बनाना चाहेंगे तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा देखना ये है कि सूरज की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको हम जहाँ पानी बरस रहा है ऊपर की तरफ, वहाँ उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो ये एक तरह से कंजर्वेशन और डेवलपमेंट विद टेक्नोलॉजी, इन तीनों के बीच और फोर्थ कम्युनिटी, इन चारों के बीच ब्रिज बनाने की जरूरत है। यदि ये काम आप करेंगे या आपकी कंपनी करेगी तो ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं होगा। सस्टेनेबल सॉल्यूशन बनाने के लिए उस कम्युनिटी को थोड़ा रियलाइजेशन कराना पड़ेगा। तो कम्युनिटी का रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी की और इलेक्ट्रिसिटी की, उसको फिर यूज कर सकते हैं उसके साथ लिंक करके। इसलिए मेरा हमेशा ये रहता है कि इस 21st सेंचुरी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एक ब्रिज की ज़रूरत है, और वो ब्रिज है इस मॉडर्न डेवलपमेंट में जो डिजास्टर है, इस डिजास्टर से मुक्ति के लिए हमारी कम्युनिटी को थोड़ा सा जरा नेचर के साथ जुड़ने का, नेचर को समझने का एक मौका मिल जाए और उसके अंदर से रियलाइजेशन जग जाए, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इनके सवाल का जवाब बहुत बहुत आसानी से इसमें निकलता है कि देखो, मेरे पास तो कुछ नहीं था, मेरे पास केवल एक रियलाइजेशन का तरीका था कि मैं अपनी कम्युनिटी को रियलाइज करा सका कि यार तुम किस नेता का इंतजार करोगे कि वो पानी लेके आएगा, वो पानी वानी कभी नहीं आएगा, चलो अपन मिलके कुछ करते हैं। लोगों को विश्वास हुआ और थोड़े दिन के बाद काम करने लगे। इसलिए यदि राजस्थान की सोलर एनर्जी और जो पानी का जो रिश्ता है, इसको यदि हम थोड़ा जोड़ के सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिल जाए। हम उस पर, मैं एक संस्था से जुड़ा हूँ उदयपुर में, हम लोग गांव में 19 चूल्हे सप्लाई करते हैं, करीब 50,000 चूल्हे सप्लाई किए, उसमें लकड़ी का कंजम्पशन घट के एक तिहाई रह गया, तो उसे जो पोल्यूशन है वो भी कम होता है, तो आंखें नहीं जलती और बीमारी भी कम होती है, और लकड़ी जो पेड़ हैं वो काट इतने नहीं काटने पड़ते क्योंकि वो रसोई की गैस तो सब जगह पहुँची नहीं अभी भी। दूसरा सोलर लाइट्स, क्योंकि वो वहाँ पे कैरोसिन जलाते हैं और मोबाइल चार्जिंग के लिए जाते हैं वो मोटरसाइकिल चला के, तो वो भी बंद हो गया, वो मोबाइल वहाँ चार्ज कर सकते हो, वो भी हमने 30,000 कर दिए। तो ये जब हम, और हमने गांव वालों को, इसलिए वो बढ़ रहा है आंदोलन, कि हमने गांव वालों को शेयर होल्डिंग दे दी। हमने ये एक अच्छा उदाहरण बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंडियन कम्युनिटी में कोई रियलाइजेशन आता है ना, तो फिर वो बिजनेस का भी रेस्पेक्ट बढ़ जाता है उनके मन में, तो कि यार देखो ऐसा ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम इनसे पीछे नहीं है। तो उस रियलाइजेशन को कैसे उभार सकते हैं, उसका एक उदाहरण, उदयपुर का उदाहरण ये डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने गांव वालों को शेयर होल्डर बना दिया है, कोई बिजनेस का शेयर होल्डिंग नहीं है, खाली हम लोग जो वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं वो खाली फैसिलिटेट कर रहे हैं उसको कि भाई आप करो उसको। उसमें जब हम गांव में गए और ये पानी की समस्या जो आपको है, वो उदयपुर में कुछ लोग हैं जो पानी की, आपकी प्रेरणा से ही जुड़े हुए हैं वो लोग, तो मुझे लगा कि सोलर एनर्जी, एक तो अगर हम पैनल पानी के डैम के ऊपर लगाएंगे तो इवापोरेशन भी कम होगा, तो क्योंकि ज़मीन की इतनी समस्या नहीं है तो इवापोरेशन कम होगा, और जो उसमें ऊर्जा पैदा होगी उससे हम पानी पंप करके स्टोर कर पाएँ ऊपर ले जाएंगे। तो मुझे बिजली की ज़रूरत, क्योंकि बिजली सरकार जितना भी कोशिश कर ले गांव में ले जाने के, उसको मेंटेन करने में बहुत तकलीफ है, तो वो डिसेंट्रलाइज एक जनरेशन हो जाए और जो लोकल नीड है बिजली की वो भी ख़त्म, मतलब उसे भर पाए। तो कोई, मैं आपसे बाद में बात करें, कोई पायलट अगर हम कर सकें बात कर लेंगे। हाँ? लेकिन बस अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, जो भी हम कुछ नया इनिशिएटिव करना चाहते हैं, जब उस इनिशिएटिव में आप अपनी कम्युनिटी को थोड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं,
कम्युनिटी में भी बहुत गड़बड़ लोग होते हैं, ऐसा ना मानिए कि मैं केवल ग्लोरीफाई कर रहा हूँ कम्युनिटी को। ये कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी में 5 तरह के लोग होते हैं, ये डायनेमिक्स समझ लो, ये तुम्हारे काम आएगी बहुत। इंडियन कम्युनिटी जो है ये 5 तरह के लोगों की कम्युनिटी है। इसमें 1% लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल नेगेटिव फोर्स हैं, उनकी जो प्रोफेशनल स्किल है वो लैग पुलिंग एक्सपर्ट हैं, कि कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसकी टांग कैसे अच्छे पकड़ के खींची जा सकती है। दे आर रियली लैग पुलिंग एक्सपर्ट। मैं इसको नेगेटिव फोर्स कहता हूँ, बट ये नेगेटिव फोर्स 1% से ज़्यादा नहीं है। 4% और लोग हैं ये जो इसके पड़ोस में रहते हैं, नेगेटिव के पड़ोस में रहने वाले लोग, ये प्रोफेशनली पावर ब्रोकरी के एक्सपर्ट हैं। जहां देखी तया पराट वहां गवाई सारी। इसको हिंदी में कहते हैं अवसरवादी लोग। ये तो दुर्जन लोग हैं 1%, 4% दुर्जन और 4% लोग अवसरवादी हैं। हिंदुस्तान में 90% लोग ऐसे हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कभी किसी का अच्छा भी नहीं करते। कितने हैं? 90%। इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे सज्जन सुसुप्त डरपोक। सज्जन सुसुप्त डरपोक। तो ये हो गए 90%। भाई जी, आज भी हिंदुस्तान यदि चल रहा है तो ये 4% लोग हैं जो जब इनको कुछ अच्छा लगता है तो उस अच्छे को करने लग जाते हैं, अच्छा करने लग जाते हैं, और अच्छा करते करते दूसरों को भी अच्छा करने के लिए पागल बनाते हैं। पागल बने बिना अच्छा नहीं होता। अच्छा बनने के लिए पागल बनना पहली शर्त है। तो ये जो 4% लोग हैं ये अभी भी इस देश में खुद भी अच्छा करते हैं, और इनके मन में हमेशा ये रहता है कि यार दूसरे भी अच्छा करें तब हमारी अच्छाई बढ़ेगी। तो ये, इनको मैं हिंदी में कहता हूं प्रेरक, मोटिवेटर। और 1% लोग ऐसे हैं, पुराने जमाने में ये सचमुच इस भारत को ऐसे गुरु बना के रखे हुए थे, लेकिन आजकल ये सिनेरियो बदल गया है। पहले मैं पुराना सिनेरियो बताता हूँ। पुराने ज़माने में ये जो लोग हैं, ये 1%, ये सबसे पहले इनको बुलाते थे, और ये 5% होके अच्छा कैसे कर सकते हैं? अच्छा सोचने वाले केवल और करने वाले केवल 5% ही थे। तुम दुनिया के हिंदुस्तान की हिस्ट्री देख लो, जब भी कुछ बड़ा परिवर्तन हुआ हिंदुस्तान में 5% से ज़्यादा लोग आगे नहीं आए। ये, और जैसे ही इन दोनों का काम अच्छा होने लगता था तो ये जो 90% लोग हैं ना, इसमें से आके यहाँ मिलने लगते थे। तो जो रियल पॉजिटिव फोर्स है वो यहाँ आ जाता था। जैसे ही ये पॉजिटिव फोर्स यहाँ आया तो ये क्या करेगा? जैसे ही ये पॉजिटिव फोर्स यहाँ आया 95%, तो ये 4% क्या करेगा? ना बुलाए आएगा, और बिना बुलाए आके यहाँ मिलने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ, और फिर ये जो रियल पॉजिटिव फोर्स था ये इनको ऐसे बना के इस 1% नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देता था। कुछ भी बिगाड़ने की ताकत इसके हाथ में छोड़ता नहीं था, और फिर एक पॉजिटिव एक्शन टाइम टाइम पर शुरू होता था। तो तब इनको, उस ज़माने में इनको गुरु कहते थे। गुरु, गुरु, ग्राम गुरु, नगर गुरु। भारत का हर नगर, उसमें कोई ना कोई एक आदमी होता ही था ऐसा, हर गांव में, हर नगर में। लेकिन आजकल ये सिनेरियो ऐसे हो गया, देखो ऐसे। अभी ये नीचे से एकदम ऊपर आ गया। अब ये किसको बुलाता है सबसे पहले? इसको बुलाता है जो बिगाड़ सकता है, क्योंकि बिगाड़ के डराना है ना अगले को, तो सबसे पहले इसको बिगाड़ने वाले को बुलाता है। और ये जैसे ही बिगाड़ने वाले को बुलाता है तो अपॉर्चुनिस्ट तो फिर बिना बुलाए चला जाता है, और ये फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, प्रेरक और जो सज्जन लोग हैं अलग अलग हो जाते हैं। तो अभी जो इंडिया का बिखराव है थोड़ा है ना, वो इस डायनेमिक्स में है। इंडिया को दोबारा से ठीक करना है तो देखो ऐसे करना पड़ेगा।
मैंने आपकी ज्यादा समय ले लिया. बहुत बहुत धन्यवाद सर. डॉक्टर साहब अब थर्ड आइस पे आ जाए. अभी मैं अनुरोध करता हूँ श्री पवन जैन जी से. सर काइंडली एक बार डॉक्टर साहब का सम्मान करें. Ladies and gentlemen, a warm applause to Dr. Rajinder Singh for a wonderful session. Thank you, sir. Thank you.